ऑनियन ना तो फिश मैं खाता नहीं, पता नहीं कैसा बंगाली हूँ। एंड आज के इस वाले व्लॉग में मैं यहाँ की एक लग्जरी बस दिखाऊंगा। बस तो मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड चलने में भी एकदम जबरदस्त है। तो आपको बस में जो है एक फ्रिज मिल रहा है, बस के अंदर आपको वाटर कूलर मिल जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। देवियों सज्जनों नमस्कार, वणक्कम, वेलकम टू श्रीलंका सीरीज एपिसोड नंबर 2। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है श्रीलंका में। अभी तो आए हुए हैं, सिर्फ एक ही दिन हुआ है। एंड आज के इस वाले व्लॉग में मैं यहाँ की एक लग्जरी बस दिखाऊंगा फ्रॉम कोलंबो टू जाफना। जाफना जाएंगे, जाफना पड़ जाता है आपके श्रीलंका के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, एंड एकदम मतलब पीक तक जाएंगे अपन श्रीलंका के। तो मैप पे आप देख सकते हैं कि अपन आज कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। मैप में इसलिए डाल दूंगा ताकि आप समझ सके कि श्रीलंका में मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। एंड इस वाले श्रीलंकन सीरीज़ में मेरा प्लान है कि पूरा श्रीलंका जो है कवर करूँ। मैं फ़िलहाल हूँ गाले फेस बीच में, मेरा पिकअप जस्ट यहीं से है। एंड आज हम ट्रैवल करने वाले हैं रत्ना ट्रैवल्स की बस में। अब यूट्यूब पे या फेसबुक पे मेरे को कुछ खास मिला नहीं कि कौन सी बस बेस्ट है, कौन सी क्या है। मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट पर देखा, रत्ना ट्रैवल्स की बस आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो इसको बुक कर लेते हैं। बाकी ना श्रीलंका इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बिल्कुल जो एकदम थाईलैंड वाईलैंड वाला फील दे रहा है। रोड्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम मतलब सब कुछ जो है चकाचक है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा डिसिप्लिनड है। फिर अगर आपको श्रीलंका आना है ना, तो आप लेस दैन 30,000 इंडियन रुपीज़ में एक 7 दिन का टूर कर सकते हैं, विथ फ्लाइट, विथ वीज़ा, विथ होटल्स एंड एवरीथिंग, वो भी अच्छे अच्छे होटलों में रुक के। एंड वो सब मैं इस वाले श्रीलंका सीरीज़ में ही बता दूंगा कि आप कैसे इधर से उधर जा सकते हैं, कौन सी ट्रेन बेस्ट है, कौन सी ट्रेन अच्छी है, कौन सी ट्रेन में भीड़ होती है। इस सीरीज़ को मिस मत करना अगर श्रीलंका में टूर आप प्लान कर रहे हो। बाकी जाफना का जो एक खाना बहुत फेमस है, जाफना का अपना कुजीन है जैसे लखनऊ वगैरह का होता है, तो जाफना जाके आई थिंक आज रात को ट्राई करना पड़ेगा। एंड ये बीच देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हालाँकि बीच नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर ना एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग नहीं है, बट सी अल्टीमेटली समुद्र तो है ना ये। एंड गाइस जस्ट सी कितना प्रॉपर है, किसी को अगर मॉर्निंग वॉक वगैरह करना है, पूरा जो है बीच के यहाँ पे बना हुआ है। एंड जस्ट स्काई स्कैपर्स देखिए आप, वो वहाँ पे तो बन रहा है, बट दैट इज़ द ताज समुद्र होटल। अब वहाँ पे रुकना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट यू नो बगल में आप देखिए वो बिल्डिंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत जो है फॉरेनर्स मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। बाकी मैंने अपनी बस की बुकिंग इस वाले वेबसाइट से किया था। बस आई थिंक इट इज़ AC 2x2 पुशबैक, एंड बस शायद होने वाली किंग लॉन्ग की या सन लॉन्ग की, ये कुछ बस की कंपनीज है। इनमें मैं थाईलैंड में आपको जर्नी नहीं करा पाया, बट चलो आज फाइनली श्रीलंकन सीरीज़ में आपको वो बस देखने को मिल रही है। आज हम कवर करेंगे 400 किलोमीटर्स इन नियर अबाउट 8 आवर्स। यहाँ से सुबह 9 बजे निकलेंगे एंड आई थिंक शाम को 3-4 तक हमें पहुंच जाना चाहिए जाफना। बस टिकट के लिए मैंने पे किया 3600 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि इक्विवेलेंट है आप मान लीजिए अराउंड 940 इंडियन रुपीज़ के। तो बस का फेयर भी डिस्टेंस वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, बट बस सर्विस कैसी होती है वही देखना है। एंड पूरा पसीना पसीना हो रहा है, ह्यूमिड वेदर है। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। बट एक बात मैं बताना चाहूँगा जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि श्रीलंका भाई हमारे सिस्टर जैसा ही है। तो अगर आप इंटरनेशनल प्लान कर रहे हैं तो श्रीलंका को एक बार ज़रूर कंसीडर करना। श्रीलंका में क्राइसिस हो गया था, हालांकि मुझे अभी तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो डेफिनेटली अगर आप ट्रैवल करने आएंगे तभी उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी। बहुत अच्छा है श्रीलंका, मैं कसम से बोल रहा हूँ, कोई मेरे को पे नहीं कर रहा है बोलने के लिए। चलते हैं बस को बोर्ड करने के लिए। वैसे गाइस दिस इज़ माय बोर्डिंग पॉइंट, जितना मुझे लग रहा है, जितना मेरे टुकटुक वाले ने बताया, ये ताज समुद्र होटल है, इसके जस्ट ऑपोजिट। एंड यहाँ पे 8:40 का टाइम है, अभी देखते हैं बस कब आती है। वणक्कम सर, ओके सो गाइस बस हमारी आ चुके हैं। दिस इज द बस ऑफ सनलॉन्ग, रूट नंबर है 87 समथिंग। वणक्कम ना गाइस,
बस कुछ इस तरह से 2x2 एंड पुशबैक सीट्स हैं। हर जगह पुशबैक के स्विचेस देखिए कुछ इस तरह से हैं एंड हर सीट में जो बेल्ट है, बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट पॉकेट्स कुछ इस तरह से हैं एंड ये आई थिंक कुछ पानी बॉटल होल्डर है क्या? हाँ, दिस इज़ योर वाटर बॉटल होल्डर, बहुत ही अलग टाइप का है। गुड। एंड यहाँ पे यू कैन सी एसी के वेंट्स कुछ ऐसे हैं, प्लस यहाँ आपके रीडिंग लैंप ये तभी बंद है फिलहाल। एंड सी हर सीट्स के नीचे जो है ऐसे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स है, ऑब्वियसली हर सीट में मिल जाएगा। बाकी बस अच्छी है, रियर इंजन बस है। चलो, वॉल्वो, मर्सिडीज, कैनिया और न जाने कितने टाइप की बसों के बाद हम लग्जरी सेगमेंट में सनलॉन्ग में राइड लेंगे। बाकी अभी कोलंबो में पिकअप वगैरह चलता रहेगा, थोड़े बहुत जगह आपको दिखाऊंगा, फिर सीधा चलेंगे हाईवे पे। मेरी सीट तो फ्रंट में है, फ्रंट पे लेक्सप्रेस थोड़ा कम है, बट बाकी सीट्स में ना बहुत अच्छी लेक्सप्रेस है। यहाँ पे आपका वाटर बॉटल होल्डर है, हालांकि पानी मेरे पास है नहीं। ये है फोर्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पे कल मैं आया था, एक प्लेटफॉर्म टिकट लेके मैं घूम घूम के देख रहा था कि कैसा है। बाकी कर्टन्स वगैरह दिए हुए हैं, कर्टन्स बहुत ही अच्छे हैं, नो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन है। एंड एक चीज़ जो मुझे लगी कि आई थिंक प्रोबेबली पहले चलता होगा, बस के अंदर आपको वाटर कूलर मिल जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। क्या है कि ये थोड़ा ना वैसा बस है, सुपर हाई डेक, यहाँ से अगर आप ये वाले कर्टन्स खोल देंगे तो अच्छे से दिखेगा, बट इन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि धूप आ रही है। एंड बाकी टीवी है, सीसीटीवी है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिजिटल डिस्प्ले है। दिस इज़ 20 डिग्रीज आई थिंक इनसाइड टेम्परेचर होगा, एंड कुछ इस तरह से इसका कैब है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है जाफना में, दैट इज़ नल्लूर कांदा स्वामी टेम्पल। तो इन द केस हमारे पास टाइम बचता है शाम को जाफना पहुँच के, तो वो मैं आपको घुमा के इस ब्लॉग को एंड करने वाला हूँ। फिलहाल हम आ गए हैं E03 एक्सप्रेसवे पे, ये अब सीधा जो है कोलंबो सिटी से एयरपोर्ट जाती है, एंड बहुत ही बढ़िया वाला हाईवे मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अराउंड 26 किलोमीटर्स है, तो नेक्स्ट बोर्डिंग पॉइंट जो है वो कार्टून एयर कैपे है, जो कि मैं कहूँगा कि एयरपोर्ट के बगल में, तो सीधा जो है वहाँ जा कर रुकेंगे। एंड ये हाईवे इतना ज़ोरदार है ना, क्या बताऊँ। का जो अपना रूट है ना वो ऐसा है कि कोलंबो से निकल के हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे पिकअप करके पुटल्लम जाएंगे, फिर जो है अनुराधापुरा जाएंगे, एंड फिर जो है हम निकलेंगे टुवर्ड्स जाफना। एंड लेट्स सी रोड वोड कैसा होने वाला है आगे, ये वाला रोड तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बोर्डिंग चल रहा है, तो मैं बस एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये सनलॉन्ग की बस है, एंड सनलॉन्ग एक चाइनीज़ कंपनी है। यहाँ पे आपके पास 6+ रिवर्स ट्रांसमिशन है, मैनुअल ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर के लिए ना थोड़ा सा ऐसा अलग सा स्पेस बना हुआ है। बाकी इसी एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे सब लाइट के हैं, वहाँ पे सब टेक्निकल कंट्रोल्स है। एंड ये जो है आपका हैंड ब्रेक है, दरवाजे के स्विचेस भी यहाँ पे है। तो बस तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, एंड चलने में भी एकदम ज़बरदस्त है। एंड बस जो इन्होंने अच्छी तरीके से सजाए हुए है, देखिए वो टेडी बियर रखा हुआ है, वहाँ पे भी एक टेडी बियर रखा हुआ है, एंड ड्राइवर की सीट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने सजा के रखे है पूरा। जो है 11 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं चिलाओ नाम की जगह पे, एंड यहाँ पे 10:45 का टाइम था, तो करीब करीब ऑन टाइम ही है। प्लस जो रोड पे हम चल रहे हैं दैट इज़ अ 2-लेन रोड, एकदम छोटा रोड है, और जो हाईवे था ना वो बहुत ज़बरदस्त था,
यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा आपको राइड दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल बस के बारे में बात करें तो भाई बस तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। हाँ, अब देखिए वॉल्वो अपने जगह पे है, मगर क्या है कि कंपटीशन देने लायक है ये बस। एंड वैसे लग्जरी सेगमेंट में बसेस की बात करें ना, तो देखिए वॉल्वो स्कैनिया है स्वीडन से, एंड हुंडई जो है वो है साउथ कोरिया की, फिर ये है चाइना की, मर्सिडीज बेंज जो है वो है जर्मनी की, मर्सिडीज बेंज एंड मैन। तो सब में आपको जर्नी दिखा दिया गया है। अगर आपको देखनी है तो हुंडई की जर्नी बांग्लादेश सीरीज में, मैन की जर्नी बांग्लादेश सीरीज में, एंड मर्सिडीज वगैरह तो मैंने आपको ऑर्बिट वगैरह की, हरियाणा रोडवेज की काफ़ी बार दिखाया है, एंड वॉल्वो स्कैनिया वो सब चलता ही रहता है। बाकी चिलाओ जो है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 3C विच इज़ कोरियाज, ये पता नहीं क्या है, क्रैब्स एंड कोकोनट्स। क्रैब्स एंड कोकोनट तो मुझे समझ में आ रहा है, बट ये चीज़ COREAS ये पता नहीं क्या है। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम श्रीलंका डू कमेंट इट बिलो। दोपहर के 12 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं पुटुलनम, एंड साइड में जो है लेफ्ट साइड में पुटुलनम लगून है। लगून क्या है बेसिकली, आप समझ जाए कि सी के साइड में एक अलग वाटर बॉडी है, कोई पानी के ट्रीटमेंट के लिए जो है रखा गया है। एंड पुटुलनम का सिटी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। हम राइट चले जाएंगे शायद यहाँ से। बाकी अन्ना ने बोला है कि फूड ब्रेक जो है 2 बजे होगा, तो देखते हैं कि आज लोकल हम श्रीलंका का क्या ट्राई कर सकते हैं। डोसा इडली तो चलो कॉमन है, यहाँ पे भी लोग खाते हैं, साउथ इंडिया में भी लोग खाते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए ऑलरेडी यूज टू है। कुछ नया अगर खा सकता हूँ तो देखते हैं। गाइज दोपहर के हो रहे हैं 12:15, हमने लिया है अपना लंच ब्रेक। हालांकि मुझे 2 बजे का बोला था उन्होंने, लोकेशन मुझे पता नहीं लग पा रहा, अंदर किसी स्टाफ से पूछ के आपको बताता हूँ। एंड दिस इज आवर बस, ये अपना जो है रेस्ट स्टॉप है, आई थिंक ठीक ही है। तो बस एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि मैंने बोला था कि रियर इंजन बस है भाई। लग्जरी सेगमेंट में कोई भी बस होना वो रियर इंजन ही होगा। ये है सनलॉन्ग, एंड आई थिंक दिस इज़ द मॉडल SK 12 meter and 18 किस लिए है मेरे को पता नहीं लग रहा। ओ भाई साहब एग्जॉस्ट देखो, तो ये अपनी बस है, एंड दिस इज़ अ रेस्ट स्टॉप। नाम इसका क्या है, सो स्मार्ट पेस्ट्री शॉप। चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है। How much? 120. यहाँ पे हमारा रेस्ट स्टॉप कुछ इस तरह से है, एंड यहाँ पे एक तो पफ वाला काउंटर है, एंड एक जो है पीछे मेरे बुफे लगा हुआ है। तो बुफे मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आइटम्स सब फिश वाले हैं उसमें, तो फिश मैं खाता नहीं, पता नहीं कैसा बंगाली हूँ। तो मैंने भी पफ लिया, पफ में भी ऑलमोस्ट सारी फिश वाले थे, एक ही जो है कुछ अनियन का मिला वेज का, तो अनियन पफ ले लिया, अनियन पैटिस ये वाला 120 का, श्रीलंकन रूपी 120, तो आप मान लीजिए अराउंड 30 इंडियन। एंड एक पानी बॉटल, दिस इज़ 100 रुपीज़ श्रीलंकन, तो अब ये भी मान के चलिए 25 रुपये का पानी बहुत महंगा है सच में, कल से देख रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा आलू वालू का फीलिंग होता तो अच्छा होता, बट दिस इज़ जस्ट अनियन। ट्रैवलिंग का रूल ऐसा ही है कि जहाँ जाओगे वहाँ जो मन चाहे वो खाना नहीं मिलता, एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलो फिलहाल के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, जापना में पहुँच के कुछ ना कुछ अच्छा खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ़िलहाल मैं चाय पी रहा हूँ, एंड
फिश विश मैंने दिखाया आपको बूफे में कौन सा लगा था। ये 150 श्रीलंकन रुपीस बोला है उन्होंने, मे बी यहाँ के हिसाब से ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से फिर वही लग रहा है कि यार 40 रुपए की तो है यार, 40 रुपए भी तो ज़्यादा ही है। आई गेस गलत प्राइस ले लिया, अगर आपको पता है कि कितने की है तो बताना ज़रूर। गाइज हम क्रॉस कर गए हैं साली वेवा एंड यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस में एंटर कर रहे हैं। आप ऐसा समझो कि श्रीलंका जो है टोटल 9 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, 9 जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं ना अलग अलग, वैसे ही यहाँ पे प्रोविंसेस है, और वैसे ही बांग्लादेश में जो है डिविजन्स है कि चिटागोंग डिवीजन, ढाका डिवीजन, तो वैसा ही आप मान लो कि 9 ऐसे प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, दैट इज़ नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, युवा, साउदर्न, वेस्टर्न एंड एक और है साबरागा मुवा ऐसा कुछ। तो हम अभी एकदम नॉर्दर्न में जाएंगे आज, जाफना वही पड़ता है एंड कोलंबो जो है ना वो पड़ता है आपके वेस्टर्न प्रोविंस में, वेस्टर्न से नॉर्थ वेस्टर्न में गए, फिर नॉर्थ वेस्टर्न से नॉर्थ सेंट्रल में जाएंगे, फिर जो है नॉर्थ में जाएंगे। एक ही दिन में एक ही वीडियो में हम श्रीलंका के 4 स्टेट या 4 प्रोविंसेस कवर कर रहे हैं। बाकी रोड काफ़ी अच्छा है, 2 लेन है यहाँ पे, स्मूथ रोड है एंड दोनों साइड जो ना एकदम हरा भरा नज़ारा है। फिलहाल दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, हम पहुँच गए हैं अनुराधापुरा। ये काफ़ी एंशियंट सिटी है, मतलब ये है एंशियंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे पहले सिनहाला डायनेस्टी थी, जो कि अभी लैंग्वेज है, मतलब अभी लैंग्वेज जो श्रीलंका में चलता है दैट इज़ सिनहाला। एंशियंट डायनेस्टी के जो राजा वगैरह थे वो सब यहीं के थे एंड यहाँ पे इसलिए आज भी आके आप फोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं जो कि 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने, मतलब फोर्ट्स, मोनूमेंट्स 3000 साल पुराने पुराने आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ऑल्सो इतना पुराना सिटी है कि दिस इज़ डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो समझ जाइए आपका यहाँ पे आना तो बनता ही है।
जस्ट क्रॉस किया है मेडावा चिया एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे रोड पे ना बहुत जगह zigzag लाइन्स है। ये सेम चीज़ मैंने इंडिया में सिर्फ और सिर्फ केरला में ही देखी और कहीं नहीं देखी। तो मैंने सर्च किया वो zigzag लाइन्स क्यों है, तो मेरे को पता चला कि zigzag लाइन्स होते हैं ये समझाने के लिए कि आसपास जो है आपको पार्किंग नहीं करनी, नो पार्किंग लाइन्स। केरला वाले ऑर्डिनरी बस जर्नी में आई थिंक मुन्नार टू त्रिवेंद्रम वाले में मैंने दिखाया था, तो वही चीज़ अभी मेरे को समझ में आया कि वो नो पार्किंग के लिए, कि साइड में जो है किसी को पार्क नहीं करनी। वैसे गाइज यहाँ पे हम नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस से नॉर्दर्न प्रोविंस में एंटर कर गए हैं। आई थिंक नॉर्दर्न प्रोविंस जो श्रीलंका में सबसे बड़ा है। बाकी एक यूनिक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, मैंने देखा कि इस वाले बस में जो है एक फ्रिज भी है, ये वाला। तो आपको बस में जो है एक फ्रिज मिल रहा है, और क्या बताऊँ, आई थिंक ये सेम फीचर मैंने आपको हुंडई की बस में भी दिखाई थी बांग्लादेश में, बट वो फ्रिज ना काफ़ी अच्छा वाला था। ये तो चलो जैसे तैसे बना है, लेग स्पेस देख लो पूरा एकदम मतलब टाइट टू टाइट है। ये फ्रंट रूम है, बाकी रूम में आप आई थिंक पैर फैला सकते हैं, बट फ्रंट रूम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इन्होंने ना जैसे तैसे एक फ्रिज और एक वाटर डिस्पेंसर डाल दिया बस में। दोपहर के 2:45 हो रहे हैं, पहुंच गए वावुनिया, बस स्टैंड के जस्ट बाहर ही उतारा है। बाकी श्रीलंका में जो भी डीजल प्राइस चल रहा है दैट इज़ अराउंड इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके 105-110 इंडियन रुपीज़ डीजल प्राइस। हमारे वहाँ पे आप मान लीजिए 95 के आसपास है, तो श्रीलंका तो इंडिया से ही डीजल लेता है फिलहाल, एंड यहाँ की करेंसी में वो आई थिंक कुछ 400 के ऊपर है। बाकी जो ये बस माइलेज दे रही दैट इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स पर लीटर, अच्छा ये, बल्कि अगर वॉल्वो को अच्छे से मेंटेन करना तो अराउंड 4 तक पहुंच जाती है वॉल्वो बस की माइलेज। इनफैक्ट अच्छे से चलाए तो 4.5 भी हो जाता है। तो हम जब बस के बारे में बात कर रहे हैं हर चीज़ देखना पड़ता है, कंफर्ट कैसा है, राइड क्वालिटी कैसा है, इंटीरियर्स कैसे, इवन माइलेज कैसा है, तो कंपेरिजन जो है बनता ही है। थोड़ी देर में क्रॉस करने वाले हासाला का गामिनी वॉर मेमोरियल, एक इंसिडेंट है इसको लेके। इन द ईयर 1991 जो LTTE है वो बुलडोज़र लेके, एमुनेशन से भरा हुआ बुलडोज़र लेके अटैक करने आ रहे थे श्रीलंकन आर्मी के कैंप में। जो कॉर्पोरल गामिनी थे जिनके नाम पे ये वॉर मेमोरियल बना है, तो उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उस बुलडोज़र को रोकने के लिए, एंड ही सेव्ड हिज ब्रदर्स फ्रॉम द श्रीलंका आर्मी। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए वॉर मेमोरियल बना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। Thank you.
वी क्रॉस्ड एलिफेंट पास एंड लेफ्ट साइड में जो था इंडियन ओशन था एंड राइट में भी कोई तो वाटर बॉडी थी. एग्जैक्टली ब्रिज नहीं है बट नॉर्मल रोड भी नहीं है. क्रॉस करने के बाद राइट साइड में एक और वॉर मेमोरियल आया जो कि था एलिफेंट पास वॉर मेमोरियल. इसकी कहानी है कि 2009 में एक और सिविल वॉर हुई थी बिटवीन श्रीलंकन आर्मी एंड LTT. तो वहाँ पे भी एक बहुत ही टफ बैटल लड़ी श्रीलंकन आर्मी ने, जिसके बाद उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया. एंड यहाँ पे मैं मैप्स पे रिव्यू पढ़ रहा था कि आज भी शाम को 6 बजे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है. आई डोंट थिंक सो अभी होता होगा बट मे बी एक टाइम पे हर दिन शाम को जो ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ करता था. यहाँ पे जो है सडनली बस रुकी थी एक जगह पे जहाँ पे दूसरे ट्रक्स और दूसरी गाड़ियाँ भी रुक रही है. यहाँ पे कुछ ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है, मतलब पहाड़ों पे वैसे नहीं होता कि पहाड़ से कैसे पानी गिर रहा है भरने के लिए, बस वैसा ही कुछ एक टाइप का है. मैंने भी अपनी एक बॉटल भर ली है. ऑल्सो गाइस यहाँ पे जो हैंड रेस्ट है ना इस बस में थोड़ा अलग टाइप का है. वैसे हम बस में अपनी वॉल्वो वगैरह में पूरी हैंड रेस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह सा है, छोटा सा है बट काम तो आ ही जाएगा. शाम के 5 हो रहे हैं और हम जाफना में एंटर हो चुके हैं. जाफना काफ़ी ज़्यादा क्लीन सिटी लगी मुझे. बाकी ये ड्रॉप कर देगी बस स्टैंड में, तो वहाँ से मैंने जिस होटल में भी कॉल करा वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलूँगा. देखते हैं भाई जाफना का बस स्टैंड कैसा है. एंड कल सुबह जाफना बस स्टैंड से ही जो है मुझे अनुराधापुरा जाना है, तो पता करके ही जाऊँगा. एनी वेज 4 बजे का टाइम था बट इट्स ओके, काफ़ी मज़ा आया आज की राइड में. जाफना बस स्टैंड, ओके, थैंक यू अन्ना. Next. Okay, Anna. Thank you so much. वैसे ये बस जो है KK जा रही है, अगर आप डायरेक्टली वहाँ जाना चाहते हैं यू कैन टेक दिस सर्विस. एक शॉर्ट वीडियो ले लेता हूँ. ओके अन्ना, एक बात मैं बताऊंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा बात, वो ये है कि यहाँ पे बसेस का सबसे ज़्यादा मार्केट अशोक लेलैंड का ही है. मतलब ऑर्डिनरी बसेस में बोले ना आपको 99% अशोक लेलैंड की मिलेगी. बोल रहा हूँ अशोक लेलैंड, इट इज़ लंका अशोक लेलैंड, यहाँ पे वही नाम है. उसके अलावा ये सनलॉन्ग की बस ही दिखी फिलहाल के लिए मुझे. एंड अगर ट्रक का मार्केट बोलेंगे तो जो देसी ट्रक है ना टाटा वगैरह के आइचर के वो कुछ भी नहीं है. ट्रक जो है सारे इम्पोर्टेड है. और मैंने काफ़ी ट्रक देखे, वॉल्वो का ट्रक देखा, फिर मैंने स्कैनिया का ट्रक देखा, फिर मिट्सुबिशी का एक ट्रक आता है वो देखा. अभी मेरा जो होटल है कोजी होटल एंड रेस्टोरेंट, पता नहीं कैसा है बट 3000 लंकन रुपीज़ में मेरे को AC सिंगल रूम मिला है. आई थिंक 750 रुपीज़ मेरे हिसाब से तो भाई फेयर एंड अ वैल्यू है. अनटिल एंड अनलेस सर्विस ठीक हो. अब ऐसा नहीं चाहिए कि चार्जर काम नहीं कर रहा, बाथरूम ठीक नहीं है, नहीं तो फिर. सो बस की सर्विस काफ़ी अच्छी है, बस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. स्पेशली श्रीलंका के जो रोड्स अभी तक मैंने देखे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे. ए क्लास और ई क्लास दो टाइप के हाईवे होते हैं आई थिंक. एंड इस सीरीज़ में आपको बाकी ई क्लास हाईवे भी मैं दिखाऊंगा शायद, तो उसके लिए वेट करिए. श्रीलंका सीरीज़ को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा. आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ दोबारा जुड़ेंगे इन एपिसोड नंबर 3. वो एपिसोड होगा फ्रॉम जाफना टू अनुराधापुरा इन ऑर्डिनरी लंका अशोक लेलैंड बस. तो मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें. तूफान आंधी आए बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ.